हेलो दोस्तों, गरिमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पकोड़े तो आप बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत क्रिस्पी और करारे। तो कुछ इस तरह से ब्रेड पकोड़ा और पालक के पकोड़े बनाकर खाएं तो सोने पे सुहागा होगा और आपको बहुत अच्छा और बहुत लगेगा। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ढेर सारी पालक और ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को चॉप करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर 2 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे स्वाद के अनुसार। और बस बेसन डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सूखा धनिया पाउडर और 3-4 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप इसमें गरम ही डालें, जो हम इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में गरम करने रखेंगे वही ऑयल इसमें डालें। बड़ा चम्मच भरकर एक डालें और 4 चम्मच छोटे वाले। तो बस यहाँ पर ब्रेड ले लिए हैं। अब ब्रेड में हम चटनी लगाएंगे इनको दोनों के ऊपर। तो अच्छे से हमें इसकी कोटिंग करना है चटनी की। ये दही वाली चटनी है, आप इसकी रेसिपी मेरे लिंक पर देख लेना। तो अब इसको इस तरह से कवर कर देंगे और बीच में से हम इनको हाफ हाफ कट कर लेंगे इस तरह से। और देखने में ऐसी लग रही है कि इनको अभी खा लो तो ये खाने में वैसे भी टेस्टी लगेंगी। तो बस यहाँ पर ब्रेड लेंगे और एक स्पून या करछी की मदद से इस तरह से हम अपने ब्रेड के ऊपर ये मिक्स लगाएंगे। और इस तरह से मिक्स लगाएंगे कि हमारा ये वाला पार्ट दिखे अलग। तो बस यहाँ पर कढ़ाई मैंने पहले ही गरम करने रख दी थी। अब इसको अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी और करारा होने तक हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से ये कितना अच्छा लग रहा है, वेजिटेबल से भरा हुआ ब्रेड पकौड़ा। आप इस तरह के ब्रेड पकौड़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। ये क्रिस्पी और करारे खस्ता वाले ब्रेड पकौड़ा बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। अब बारी आती है पालक के। तो इस तरह से पालक की एक पत्ती लेंगे और इस तरह से हम दोनों साइड से ये पेस्ट लगाकर फ्राई इनको फ्राई करेंगे। और इनको एकदम अलट पलट करते हुए क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई करेंगे। और बस इनको इस तरह से खाकर जो आनंद आएगा आप उसका बिल्कुल महसूस करना। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी करारे ये पालक के पकोड़े बनकर रेडी होते हैं। तो दोनों नाश्ता ब्रेकफास्ट हमारे तैयार हैं। और आप भी इस तरह से ये पालक पकोड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखें। तो आप इनको कभी भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। वेजिटेबल से भरे ये क्रिस्पी और करारे ब्रेड पकोड़ा और पालक पकोड़ा बहुत ही टेस्टी और वेजिटेबल से भरे आपको ये खाने में बहुत ही स्वाद लगेंगे। तो हमारे दोनों तरह के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और सॉस के साथ। आप इनको इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी। अब ब्रेड पकोड़ा को हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे तो और देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी हम आराम से इसको खा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ब्रेड पकौड़ा और पालक पकौड़ा की, आप मुझे करके हम इनको सर्व कर देंगे जो खाने और देखने में दोनों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको ग्रीन चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। तो दोनों तरह के पकौड़े हमारे रेडी हैं बनकर। तो थैंक यू एंड बाय।